friends, welcome and welcome back to my channel. My name is Priti Rawat and I make video on home decor, lifestyle and DIY. So आज का जो मेरा video है वो एक DIY video है. So मैं आप लोगों से अपनी pot painting technique share कर रही हूँ कि मैं अपने pots को किस तरह से paint करती हूँ. Photos मैं already अपने Instagram पे share कर चुकी हूँ, तो अगर आपने मुझे अभी तक Instagram पे नहीं follow किया है तो make sure कि आप मुझे Instagram पे जरूर follow करें. मैं link नीचे description box में दे दूँगी और बिना किसी देरी के चलिए शुरू करें. मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ इस पॉट को पेंट करने के लिए नेगलेक ब्यूटी का एक्रेलिक डिस्टेंपर. आप चाहें तो किसी और कंपनी का एक्रेलिक डिस्टेंपर यूज़ कर सकते हैं. सो मुझे एक बॉक्स काफ़ी सस्ता पड़ता है, इस जस्ट फॉर ₹70 और काफ़ी चल जाता है, तो इसलिए मैं ये डिस्टेंपर यूज़ कर रही हूँ. और मैं इस पॉट को वाइट बेस कोट में पेंट कर रही हूँ ताकि जब भी मैं सेकेंड कोट किसी कलर की करूँ तो वो कलर की फिनिशिंग अच्छे से आए. जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट कोट कंप्लीट हो चुकी है, तो अब मैं इसका फेस बनाऊंगी. एंड यहाँ मैं आईज़ बना रही हूँ, नोज़ बना रही हूँ और एक स्माइली फेस बना रही हूँ. सो दिस इज़ अ स्माइली फेस पॉट. और आप चाहें तो पेंसिल से स्केच बाद में भी ड्रॉ कर सकते हैं. मैं पहले ड्रॉ कर रही हूँ और फिर कलर करूँगी, तो जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो. अब यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने आईज़, नोज़ और एक स्माइली फेस बनाया है. अब मैं इसको कलर करूँगी फ्रेश टिंट कलर यानी स्किन कलर को. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्किन कलर कंप्लीट हो चुका है और अब मैं रेड कलर लेकर इसकी स्माइली बनाऊंगी. यहाँ मैं जो भी कलर यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ. सो एक्रेलिक कलर आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं. एंड मैं इसकी स्माइली रेड कलर से बना रही हूँ. अगेन कलर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, जो भी आप कलर यूज़ करना चाहें. और अब मैं ब्लैक कलर से इसकी आइज़ बना रही हूँ. अब मैं ज़ीरो ब्रश यूज़ कर रही हूँ फॉर आउटलाइनिंग और जो भी बाकी फीचर्स रह गए हैं उनको फिनिशिंग टच देने के लिए. मैं यहाँ सेकंड पॉट की नोज़ बनाना भूल गई थी और मैंने ये बाद में रियलाइज़ किया. एनीवे मैंने उसको बाद में बना लिया था. नाउ मैं ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ जो ऊपर का पार्ट है उसको कवर करने के लिए. आप चाहें तो कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो. मैं ब्लू इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि जो नीचे की बॉडी है मैंने इस पॉट की बनाई है वो ब्लू कलर की है, इसलिए मैं यहाँ ऊपर भी ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ. For second pot, I am using magenta color and you can use any color of your choice. Now it's time for final review. So this is how cute this pot is looking like and I hope आपको भी उतना ही cute लगा होगा. Actually मैं इसकी body पहले ही बना चुकी थी, so अगर आपको इसका detail video चाहिए तो मुझे comment section में comments करके ज़रूर बताइएगा. And मैंने इसमें varnish भी किया है, तो जिससे कि इसकी शाइन भी बनी रहे और इसको क्लीनिंग में भी इजी रहे. सो वार्निश से एक शाइन भी आ जाता है. एंड यू कैन सी हाउ क्यूट दे बोथ आर लुकिंग. आई होप आपको ये DIY वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा. मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए.
और अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ जो भी मैं आर्ट एंड क्राफ्ट या DIY करती हूँ उसकी पिक्चर्स शेयर करती रहती हूँ। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियोज़, तो प्लीज़ उनको शेयर भी कीजिए। एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन बाय बाय।